मेरा नाम रोहन है। मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मम्मी ने एक दिन मुझे बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं काफी हैरान हो गया। मेरी मम्मी ने मुझे कहा वे मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मेरे लिए उन्होंने लड़की भी ढूंढना शुरू कर दी। एकदम से सब बातें सुनकर मैं काफी उलझन में पड़ गया, क्योंकि मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। मम्मी पहले तो थोड़ा नाराज सी हो गई, मगर फिर मम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि मम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं और सिर्फ यही कहा था कि जो भी लड़की है तुम्हें पसंद आएगी। मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा और रात हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। उसकी सांसें काफी ज्यादा फूली थी। उसकी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ किरण। उसने जो खबर मुझे सुनाई उसे सुनकर तो मेरी भी जान निकल गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि मम्मी की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है। मैं डर गया और भागकर उसके साथ मम्मी के कमरे में गया तो वहाँ मम्मी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं मम्मी मम्मी पुकारते पुकारते आवाज लगाता रहा, लेकिन मम्मी चुप रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ गई और मैं और मेरी बड़ी बहन मम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी मम्मी का चेकअप किया और बताया कि मेरी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी हुई थी। डॉक्टर ने हमें कहा कि हम मम्मी को टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। हम सब मम्मी की सेवा करने लगे। एक दिन मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा मेरी जिंदगी को ना जाने कितना समय बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मरने से पहले शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और मम्मी बोली कि बेटा तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी और फिर उस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी, जिसने सूट सलवार पहना हुआ था और हॉस्पिटल में एक वकील को बुलाया हुआ था। हम दोनों की वकील के सामने कोर्ट मैरिज करवा दी। हम दोनों कोर्ट से शादी कर चुके थे। बाद में मम्मी ने मुझे कहा कि अपनी पत्नी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल में रुक जाएंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहन मम्मी के पास रुक गई और हम घर आ गए। मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं घर पहुंचा और मुस्कुराते हुए जब उसके पास आया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने जो मेरी पत्नी बैठी थी वह उम्र में मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ी थी। मैं 25 साल का नौजवान था और वो 30 साल की थी, और ना ही वो इतनी खूबसूरत थी। उसका रंग थोड़ा सा सांवला था। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फौरन अपने कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी क्यों करी। 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आ गई। मम्मी की तबीयत खराब थी और इसलिए मैं अपनी मम्मी से किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत नहीं करना चाहता था और अपनी पत्नी के साथ वैसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहते हैं। मेरी पत्नी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वो बहुत अच्छी थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने व्यवहार से मेरा दिल जीत लिया। वह मेरे लिए वक्त पर खाना बनाती, जब मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरी कपड़े वक्त पर धोती और प्रेस करा देती, सारे घर के काम बकायदा जी लगा कर किया करती। मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती। मुझे अब धीरे धीरे मेरी पत्नी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। मुझे उस बात का बहुत गुस्सा था कि वह मुझसे 5 साल बड़ी है। मैंने कभी उससे अपनी पत्नी की निगाह से नहीं देखा, मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती मुझे अच्छी लगती थी। मैं शुरू शुरू में तो उससे बहुत गुस्से से बात करता था और हर वक्त डांटा करता था, मगर फिर मेरे शब्दों में धीरे धीरे अच्छाई आने लगी और यूं ही हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। एक दिन जब मैं सोया हुआ था तो मुझे रोने की आवाज आई तो मैं हैरान रह गया कि आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मेरे दरवाजे पर आवाज ही तो थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर आई। मैंने उससे पूछा कि तुम अंदर क्यों रो रही थी, तो कहने लगी, नहीं मैं नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन मुझे यकीन था वह सच में रो रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मैं अपनी पत्नी को अक्सर रोता हुआ देखा करता और उससे रोने की वजह भी पूछता, पर वो मुझे कुछ भी नहीं बताती और झूठ बोल देती कि मैं नहीं रो रही थी। ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मेरी पत्नी आखिरकार क्यों रोती है। मैं उसकी वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस जल्दी आ गया तो मैंने देखा मेरी बहन मेरी पत्नी को बहुत डांट रही है, और सिर्फ डांट ही नहीं रही बल्कि उसको थप्पड़ भी मारा। ये सारा तमाशा मैंने अपनी आँखों से देखा। दीदी तो मेरी पत्नी को कह रही थी कि तुम मनोज हो,
तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फौरन दीदी से बोल पड़ा, दीदी आप ये सब क्या कह रही हो और इस शादी में उसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को कमरे में ले आया। अब ऐसा अक्सर होने लगा कि मेरी बहन मेरी पत्नी को डांटा करती। फिर मुझे पता चल गया मेरी पत्नी क्यों रोती है। मुझे अपनी पत्नी से थोड़ा सा प्यार होने लगा। मैं अक्सर अपनी बहनों से अपनी पत्नी के लिए लड़ लेता। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। मैं अपनी बहनों से पत्नी के लिए लड़ता रहता और वे मेरी पत्नी के खिलाफ बातें करके मेरा दिमाग खराब करते थी। मेरी बहनें मेरी पत्नी की ऐसी बुराइयां करती कि मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कह रही हैं या झूठ, लेकिन मुझे उन पर यकीन था। अब मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काना शुरू कर दिया था। जब मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काना शुरू कर दिया था, जब माँ ने मेरी पत्नी की बुराई की, तो मुझे यकीन हो गया कि खोट मेरी पत्नी के अंदर है। उस रात मैंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा। मुझे दुख हुआ, मगर क्या करता, वे चुपचाप बैठी मेरी डांट सहती रहती। मेरी पत्नी के खिलाफ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगी। मैं भी अपनी पत्नी से तंग आ गया था। मैं अब उससे कम बातचीत करता। वह मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में कमी निकाल देता। उसे डांटता। कोई भी काम करती तो मैं फिजूल में उससे गुस्सा होने लगता। उसे घर के सभी लोग तंग आ चुके थे। एक दिन मेरी दीदी मेरे पास आई और उन्होंने आकर मुझसे बहुत ही अजीब सी बात कही, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। दीदी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। ये सुनकर दिमाग सा थोड़ा घूम गया। मैंने दीदी से कहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दीदी ने मुझे कहा कि वे मम्मी को मना लेंगी और मेरी शादी अपनी सहेली से करवा देंगी। मैं पहले तो नहीं माना, मगर 3 दिन बाद दीदी ने मुझे फिर से कहा उन्होंने मम्मी को मना लिया है। अब मैं राजी तो हो गया, मगर यूं कि उसको कैसे छोड़ सकता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना पका कर लेकर आई और खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज्यादा होने का बहाना करके अपनी पत्नी को डांट लूंगा और उसे छुटकारा लेने की बात भी कह दूंगा। मैंने उसे डांटना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसे छोड़ने की बात कही तो मेरी पत्नी रोने लगी और चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ लोग आ गए। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। यूं तो मैं अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया। फिर इस मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी पत्नी ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली। हालांकि उसकी गलती नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी पत्नी बिल्कुल बदल सी गई। अब वह कुछ भी नहीं बोलती, हर वक्त चुपचाप रहती। बस रात होती तो मुझसे पनीर मंगवाती थी। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे बिल्कुल ताज़ा पनीर चाहिए और मैं ताज़ा पनीर उसके लिए लेकर आया था। मेरी पत्नी कमरे के बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक उठी और उसने मुझसे पनीर वाली पन्नी पकड़ ली और बोली कि कल रात को मेरे लिए फिर से लेकर आना। ये सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और कहा कि तुम रोज इसे क्यों मंगवाती हो, क्या करती हो तुम इसका, मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा। वह सहम सी गई और कहने लगी कि रात को पनीर बिल्ली खा गई, इस वजह से आज दोबारा पनीर मंगवा रही हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले रोज मैं दोबारा अपनी पत्नी के लिए पनीर लेकर आया और उसे अपने हाथों में थमाया और अपने कमरे में आ गया। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन मेरी पत्नी ने फिर से मुझसे कहा कि प्लीज आज भी रात को पनीर ले आइएगा। मैंने फिर से पूछा, पनीर तो लाया था ना मैं। फिर आगे से मेरी पत्नी ने सेम जवाब दिया, वो तो मैंने खाया ही नहीं। कहने लगी वो तो बिल्ली खा गई। मैं भी बहुत हैरान था और सोचने लगा कि बिल्ली इतना पनीर कैसे खा सकती है, जितना पनीर मैं लाया था उतना तो एक इंसान सारी रात खाता रहे तब भी खत्म ना हो, बिल्ली ने कैसे खा लिया। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहता था कि पनीर आखिर जाता कहाँ है। 2 से 3 बार मैंने ये बात अपनी पत्नी से भी पूछी, मगर उसने हमेशा यही बात करी कि पनीर बिल्ली खा गई। इस बात को काफी दिन गुजर गए थे। मैं लगातार रोज अपनी पत्नी को पनीर लाकर देता था और फिर पनीर गायब हो जाता। मेरी मम्मी और बहनें भी इस बात का गुस्सा करने लगी कि तुम्हारी पत्नी उस पनीर का क्या करती है। मैं थोड़ा अफसोस से कहता कि दीदी मुझे नहीं पता, बस वे रोज ही ऐसे कहती है कि बिल्ली खा जाती है पनीर। मेरी उस बात को मेरी दीदी ने सर पर सवार कर लिया और ठान लिया कि उस बिल्ली का राज तो वे जान के ही रहेगी। मेरी दीदी ने मेरी पत्नी पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी दीदी को मेरी पत्नी पर अजीब तरह का शक हो गया था। धीरे धीरे मेरे और मेरी पत्नी के बीच में सब कुछ अच्छा होने लगा। मैं अब उसे डांटता नहीं था, उसका बहुत ख्याल रखता और खुद अपनी खुशी से रोज रात को पनीर लाकर देता। मेरी माँ और बहनें अब अगर मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। मेरी बहनें भी इस बात पर हैरान थी कि अब एकदम से मुझे क्या हो गया है और ये अचानक जोरू का गुलाम कैसे बन गया है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अब अपनी पत्नी से थोड़ा सा लगाव हो गया था। उसके साथ रहना, वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
ऐसी एक और महीना बीत गया। मेरी पत्नी के बारे में मेरा नजरिया अब बदलने लगा था। वे जब भी सुबह जागती तो मुझे 18-19 साल की एक लड़की जैसी जवान लगती। अब मुझे अपनी पत्नी बहुत खूबसूरत लगती, जैसे वे कहीं की परी हो। पर मैं बहुत हैरान होता कि उस हसीन लड़की को मैं मारा करता था। मैंने अपनी पत्नी से अपने उसके साथ बीते हुए कल के लिए बहुत बार माफ़ी मांगी। अब हर वक्त पत्नी के पास रहने का मेरा बहुत दिल चाहता। मैं ना सिर्फ हर वक्त उसके साथ रहता बल्कि अब मुझे उसकी सेवा करना भी बहुत अच्छा लगता। मैं उसके लिए खाना पकाता था और उसके सारे काम करता और उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता। मेरी बहन और माँ ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ गई और मुझे खरी खोटी सुनाती। मैं उनसे लड़ पड़ता और कहता कि अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मुझे कहती, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम चारों बहनों भाइयों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। तब मैंने तुम सबको अपना खून पसीना करके अपनी कमाई से तुम सबको खिलाया और जवान किया। आज तुम अपनी पत्नी के कहने पर हम लोगों से लड़ते हो। मैं अपनी मम्मी से कहता कि आपको जो कहना है मुझसे कहो, पर मेरी पत्नी को कोई तकलीफ मत दो। अब मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत सह लिया। ऐसे अच्छे दिन अब गुजरते जा रहे थे। एक दिन मेरी दीदी को उस पनीर का राज पता चल गया और फिर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी दीदी ने मुझे वह राज बताकर अपनी तरफ करने की कोशिश करी, मगर मैं ये सब देखकर अपनी दीदी पर गुस्से से बाहर हो गया और मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दीदी चीखती रही चिल्लाती रही मगर मैंने दीदी की एक नहीं सुनी। मेरी छोटी बहन और माँ भी रोती रही मगर मैंने कहा कि तुम में से किसी को जाना है तो चले जाओ। मेरी माँ पहले ही बीमार थी, ये सब देखकर बिस्तर को लग गई। मेरी छोटी बहन चुप करके अपना सारा दिन काम किया करती और किसी से कोई बात नहीं करती। माँ तो अब अधमरी हो गई थी, चारपाई पकड़ ली थी और मैं अपनी पत्नी की सेवा में बिजी रहता। सारा दिन उसका ख्याल रखता और रात को उसके लिए पनीर लेकर आता। मैं थोड़ा हैरान होता कि रोज रात को बिल्ली पनीर कैसे खा सकती है, मगर फिर ना जाने ये बात खुद ब खुद मेरे दिमाग से निकल जाती और मुझे याद रहती। दिन हो या रात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी पत्नी से फर्क पड़ता है। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। मुझे अपनी बीवी के अलावा इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं था। मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। मेरा एक दोस्त था जो जादू टोना करता था और इन सब का बहुत ज्यादा ज्ञान रखता था क्योंकि वह एक बाबा का चेला था। उससे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ और उसकी बातों में इतना व्यस्त हो गया कि एक दिन वह मुझे अपने बाबा जी के पास ले गया। मैं उनसे मिलकर भी बहुत खुश था। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे दिल में अपनी बीवी से मिलने का थोड़ा जज्बा कम हो गया है। उस रात मैंने दुकान पर खूब देर तक काम किया, नहीं तो मैं रोज शाम होते ही जल्दी से घर आ जाता था। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पनीर का थैला उसे पकड़ाया और आराम करने अपने कमरे में चला गया। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी बल्कि उस रात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया। यही सब सोचते हुए मेरी आँखें बंद किए हुए मैं लेटा रहा। फिर एक अजीब घटना हुई। मेरी पत्नी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी और मुझे गौर से देखा। उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो वह बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं भी बहुत हैरान था कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पीछे चला जा रहा था। रसोई में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा हुआ चुपचाप अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अंदर मेरी पत्नी ने दियों का चारों तरफ से गोला बना रखा था और उसके बीच में बैठकर अजीब से मंत्र पढ़ रही थी और साथ ही साथ वह पनीर जलाते जा रही थी और इतनी तेज रफ्तार से झूमते हुए पनीर पर कुछ पढ़ रही थी। एक आम इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे ये सब देखकर घबराहट महसूस हुई, मुझे डर लग रहा था। मैं जल्दी से वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो उठकर पूजा करने मंदिर चला गया। माता के सामने अपना सर झुकाया, अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा और विनती करने लगा कि भगवान मेरी मदद करो। फिर से मैं अपने उस दोस्त के पास गया और सारी बात उसको सुनाई। मेरे दोस्त ने मुझसे एक बात पूछी और फिर जो बात उसने मुझे बताई वे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी काला जादू करती है, किसी और पर नहीं वे मुझ पर करती है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हें यकीन तो है ना? उसने कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पति तुम पर काला जादू करती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती है। इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ
और बहनों के साथ तुमने ऐसा बुरा सुलूक किया। ये सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा कि एक साल में जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह सब अपनी पत्नी के उस काले जादू की वजह से ही हो रहा है। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई। उसने मुझे एक पानी की बोतल दी और कहा कि ये पानी तुम रोज पीना, ये मुझे मेरे बाबा जी ने दिया था। इसको पीने से तुम पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा उसने मुझसे कहा कि तुम रोज पूजा पाठ भी किया करो। उसकी बात सुनकर मैं काफी हैरान था। पानी की बोतल लेकर अपने घर आ गया। मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब मैं रोज अपनी पत्नी का पीछा करता, किचन में जाकर देखता तो वो क्या करती है। उसने अपना काला जादू भी बढ़ा दिया मगर मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो बेहद बीमार थी और माँ से बात करने की कोशिश करी। मेरी छोटी बहन ने मुझे मेरी माँ से बात करने से रोक दिया। मैंने मिन्नतें करता रहा तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करने दो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई, कहा कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने कहा कि बेटा अगर मैं तुम्हारी माँ ना होती तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं मम्मी के गले लग गया और कहा कि मम्मी मैं दीदी को घर वापस लाना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा कि तुम्हारी दीदी को वापस ले आएंगे। फिर मैंने मम्मी से कहा आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र वाली लड़की से क्यों कराई। तो मम्मी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे पापा का एक दोस्त था जिसे मरने से पहले तुम्हारे पापा से वादा लिया था कि उसकी इकलौती बेटी की शादी वो अपने बेटे से करवा देना चाहते थे। यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे पापा के मरने के बाद उनके उस वादे को पूरा करना पड़ा, उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं अपनी मम्मी के फिर से गले लग गया और कहने लगा मैंने यूं ही गुस्से में आपको गलत समझा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी ने मुझे प्यार से थपकी दी और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। उस रात फिर मेरी पत्नी रात को किचन में गई और रोज़ की तरह उसके मैं पीछे गया। मैंने उसे छुपकर देखा मगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुझे देखकर जोर जोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई। उसका राज खुल गया। वह कहने लगी कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह मुझे बस देखे जा रही थी। मैं इन सबसे डरता था। मैंने जल्दी से बाबा जी का पानी दिया हुआ उस पर फेंका और बेहोश होकर वो गिर गई। सुबह मेरी पत्नी को होश आया तो वो रोने लगी और फिर मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। वो कहने लगी कि मैंने हमेशा जिंदगी अकेले गुजारी है, मेरे पाप मुझे छोटे होते ही छोड़कर चला गया था, मम्मी मर गई और मैं अपने पति को भी पसंद नहीं आई, मेरी नंदे सास मुझ पर जुल्म करती थी, उनके कारण भी उनका करना भी बनता था। कौन बर्दाश्त करता कि लड़के से बड़ी लड़की हो सास और पति के जुल्मों सितम से सताई गई और बहुत परेशान रहती थी। मेरी एक सहेली ने मुझे ये बताया कि बाबा जी के पास चलते हैं, वे तुम्हारे मसले का हल बताएंगे। बाबा ने कहा तुम अपने पति को अपने काबू में कर सकोगी। और फिर मैंने यही अमल करना शुरू कर दिया। मेरा पति मेरा होने लगा और काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा। फिर मेरे हाथ से सब निकलने लगा। मेरी बीवी बहुत ज़ोर से रोने लगी, सबसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि गलती तो सिर्फ मेरी है। मैंने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। मेरी मम्मी और बहनों ने भी मेरी पत्नी को माफ़ कर दिया। मैं कुछ दिन के बाद अपनी दीदी से माफ़ी मांग कर उन्हें घर ले आया। अब मैं अपनी पत्नी से नफरत नहीं करता बल्कि उसे दिल से कबूल कर चुका हूँ। काश ये सब पहले मैं समझ लेता तो मेरी पत्नी को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए, प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात दोबारा होगी कल सेम समय पर, मेरा इंतज़ार करिएगा।